जगाने वाला ये अमर ग्रंथ है।
Hare Krishna, Hare Krishna.
अपना अपना आसन ग्रहण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तुत श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए मंचासीन पूज्यपाद बंसी बंधन प्रभु जी के चरणों में एवं ब्रौतवासियों के समस्त भक्तों के चरणों में मेरा शुभ बंधन है, कोटि कोटि मेरा दंड प्रणाम है। आज पुनः बड़ौत में सुंदर कथा अमृत गंगा प्रवाह करने के लिए गुरुदेव आए हैं, इसलिए उनके लिए जोरदार तालियां हरी बोल। महाराज श्री विभिन्न देशों में सुंदर हरि का नाम का प्रचार करते हुए अपने सेहत की भी परवाह नहीं करते और अभी भी वृंदावन से सीधा दौड़ते हुए आए हैं। इनका आवेश ये है समस्त जीवों को किसी प्रकार से हरि नाम से जोड़ा जाए, हरि नाम में लगाया जाए। पूरी कार्तिक महीना में आप लोग गए भी हैं, देखा भी होगा, महाराज श्री को आराम करने की फुर्सत नहीं हो पाती और हमेशा यही चिंतन करते रहते हैं किस प्रकार से जीवों को भजन में लगाया जाए, किस प्रकार से नए नए केंद्र खुले, नए मंदिरों का निर्माण हो, जहां हम सब पर कृपा करके हमारे ऊपर यह बहुत बड़ी अनुकंपा की कि हम ये सुंदर कथा के माध्यम से जो हम लोगों का भजन से रुचि में मन कमजोर पड़ जाता है उसको वापस सुदृढ़ बनाने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। महाराज जी हर संभव कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से ये इनके इन प्रकारेण समस्त जीवों को लाभ मिले। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि गुरु की सेवा में कोई त्रुटि ना होने पाए, गुरु जी को कैसे प्रसन्न किया जाए उसके लिए हमें भी चिंतन करना चाहिए। क्या चिंतन करना चाहिए? हमें सही सही प्रकार से हरि नाम करना चाहिए। एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। और जिस प्रकार से गुरुदेव पूजा पद्धति बताते हैं उसको सही प्रकार से हम संपादित करें, इससे क्या होगा? अभी शुरू शुरू में तो हमें लगता है ये हरे कृष्णा बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, एक साधारण कर्म सा नजर आता है। लेकिन जो लोग पुराने हो चुके हैं, अगर उन्होंने सही सही प्रकार से हरिनाम किया होगा, उन्हें कुछ ना कुछ अनुभव जरूर हुआ होगा। ये रहस्यमयी बातें हैं, इसको ज्यादा उजागर नहीं करूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं और आप सब इसका अनुभव भी कर रहे होंगे। जो नहीं कर पा रहे हैं उनसे निवेदन है कि हरिनाम को बड़े गंभीरता से लें। हरिनाम 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 केवलमा कलौ नास्तेव 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 गत्र अन्यथा, मतलब हरि का नाम ही हरि बोल।
हरि बोल चल रहा है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि का नाम ही एकमात्र कलयुग में हमें ले जाएगा उस पार। किस पार? इस भवसागर से पार करा देगा, भगवान के धाम पहुंचा देगा। और कुछ भी हमारा साधन ना बन पाए, कुछ भी हमारी पूजा ना बन पाए, कोई चिंता नहीं, लेकिन हरि नाम नहीं छूटना चाहिए। हरि नाम को गंभीरता से यदि हम करेंगे, समस्त प्रकार की पूजाएं अपने आप हो जाएंगी। शरीर साथ नहीं दे रहा है, नहीं हम तीर्थ स्थान जा पा रहे हैं, कोई चिंता नहीं। शरीर साथ नहीं दे रहा है, हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, कोई चिंता नहीं, लेकिन हरिनाम की चिंता अवश्य करनी चाहिए। हरिनाम एकमात्र ऐसा साधन है, समस्त युगों में इसका पालन करना पड़ता है, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती है। और कलयुग में तो विशेषता इसको बहुत सरल और सहज बना दिया चैतन्य महाप्रभु ने। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। उन्होंने तो इतना सरल कर दिया कि किसी भी अवस्था में सोते खाते पीते किसी भी अवस्था में आप इसका नाम उच्चारण कर सकते हैं, हरिनाम कर सकते हैं और प्रभु का प्रेम पा सकते हैं। अगर इतनी सरल विधि को भी हम लोग भारतवर्ष में जन्म लेकर के यदि हम ग्रहण नहीं कर पाए तो जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। सुकर कुकर की तरह हम लोग खाया पिया मैथुन किया, बच्चे पैदा किए और मर गए बस। जिस मनुष्य योनि के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं स्वर्ग में, चिंता करते हैं कि किसी प्रकार से एक मनुष्य जन्म मिल जाए और किसी महत्पुरुष महान वैष्णव गुरुदेव के चरणों का आश्रय मिल जाए और शुद्ध भजन मेरा हो जाए और मैं सारे के सारे भवसागर यहां तक कि स्वर्ग को भी पार करके समस्त लोगों को उच्च लोगों को भी पार करके भगवान के धाम चला जाऊं, ये देवताओं की अभिलाषा है। हमें ये बहुत सुंदर व्यवस्था मिली हुई है, अनुकूल समय है, अनुकूल शरीर है, अनुकूल गुरुदेव है, अनुकूल की भगवान की कृपा है, तो भी यदि हम हरि नाम नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला। तो आप सबसे ये निवेदन है, उच्च स्वर में कीर्तन कीजिए, हरिनाम में मन नहीं लगेगा जल्दी। कीर्तन करेंगे तो मन लगेगा। कीर्तन करने से क्या होता है, समस्त इंद्रियां हमारी कीर्तन में लग जाती है। हरिनाम अगर मन मन में करते हैं तो देखना चिंता हमारे संसार की शुरू हो जाती है। पहले हमें कोई याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा, जैसी हमने माला पकड़ी, अरे उससे मिलना था, उससे पैसे लेने थे, ये सारा एकदम याद आना शुरू हो जाता। तो भी हरिनाम करते रहना है, हरिनाम का त्याग नहीं करना है और नियम पूर्वक करना है, संख्या पूर्वक। अगर हमने हरिनाम नहीं किया, कई लोग ऐसे मिलते हैं हमारा तो निरंतर हरिनाम चलता रहता है, हमें माला की आवश्यकता नहीं है। हरिनाम नहीं चलता उनका, केवल वो अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं, अपने आप को भी भ्रमित कर रहे हैं कि हम हरिनाम कर रहे हैं। कहते हैं हमारे श्वास में चलता है, अरे जिसके श्वास में हरिनाम चलने लगेगा ना उसको अपनी अवस्था का ज्ञान ही नहीं रहेगा, वो तो अवधूत अवस्था में आ जाएगा। उसको ये नहीं पता मैंने क्या खाया क्या पहना कहां पढ़ाऊं कहां गिराऊं, कुछ याद नहीं रहेगा, वो अवस्था ऐसी होती है। और भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा गुरु रूप में प्रकट हो जाती है और वो हमें सारी शिक्षाएं भक्ति पद्धति सिखाते हुए किस प्रकार से प्रथम चरण पार करेंगे उसमें हमें क्या क्या हमारे नियम है वह बताते हैं, फिर द्वितीय चरण में हमें क्या करना चाहिए, फिर तृतीय चरण करते करते हमें भगवत धाम की प्राप्ति करा देते हैं। और सहज सरल रूप में कुछ नहीं करना है हमें, केवल और केवल
भगवान के जो सुंदर भक्त गुरुदेव रूप में वैष्णव रूप में है उनका अनुगत्य ग्रहण करना है। तो एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। और जितने भी प्रकार के साधन हैं आप देखते होंगे कई प्रकार के धर्म है कई प्रकार के साधन है लोगों के, सर्वश्रेष्ठ साधन आपका हरिनाम जप और सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो है अनन्या कृष्ण भक्ति। अर्थात किसी भी प्रकार की हमें इच्छा ना रख करके और किसी भी प्रकार के अन्य देवी देवताओं की पूजा ना करके एकमात्र श्री कृष्ण भगवान का भजन पूजन और हरिनाम जप करना, ये पद्धति। अगर एकमात्र श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करेंगे तो वह दिन दूर नहीं, निश्चित रूप से वह प्रेम हमारे हृदय में आएगा। और कुछ कुछ आप लोग अनुभव भी कर रहे हो, काफी पुराने हो रहे हो, इसको इस प्रेम को सबसे अमूल्य निधि है। संसार की बड़ी सी बड़ी मूल्य वस्तु भी इसके कण के बराबर नहीं हो सकती। वह प्रेम हमारे हृदय में भगवान के गुरुदेव और वैष्णवों के माध्यम से हमारे हृदय में संचारित होने जा रहा है, आता है और हम उसको सहज ही खो देते, उसका ध्यान नहीं रख पाते, गंभीरता नहीं दिखाते कि हाँ चलो ये तो हो जाएगा फिर हो जाएगा, नहीं होता। भक्ति भगवान जिस प्रकार से स्वतंत्र है, ठीक भक्ति भी ऐसी स्वतंत्र है। भक्ति केवल और केवल वहां पर अपनी करुणा प्रकट होती है उसकी, वहां पर जाती है जहां पर निर्मल मन और श्रद्धा होगी। और श्रद्धा रूप से यदि हम करते रहे, कितना भी कुछ करते रहे, कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम श्रद्धा, श्रद्धा हमें वैष्णवों के प्रति गुरुदेव के प्रति होनी चाहिए, तब जाके श्रद्धा हमारी कृष्ण के प्रति होगी। ठीक है, ज्यादा समय लेते हुए क्योंकि अभी कथा शुरू होगी, आज हमारा प्रथम दिवस है श्रीमद भागवत कथा का, और सुंदर रूप से जो जो महाराज श्री बताए उसका हमें अंगीकार करना है, जो पद्धति बताए उसको छोड़ना नहीं है, उसे अच्छे ढंग से हमें जीवन में पालन करना चाहिए। धन्यवाद। वांछा कल तो हरे कृष्ण ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाबलादौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ दिजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धु जगत्पते गोपी सह गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं
भजामहे भागवतम स्वरूपम जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आज भाव पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जोर करके बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील बंशीवदन प्रभु अन्य वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान हम लोग हैं। ये जो श्रीमद् भागवत कथा ये बड़ौत वासियों को कितने सौभाग्य है क्योंकि भागवत कहता है एक जन्म नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म का जब पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा सुनने को मिलता है। इसलिए गुरु जी की कहना है जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारा पास में पैसा की बल हो जो काम को पैसा की बल पर कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमको कोई मदद करने वाले हो जन बल हो जो काम को हम कर सकते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा बल है मन की बल है। अगर हमारा पास में मन की बल हो जो काम को हम कर सकते हैं लेकिन सबसे जो ज्यादा बल है आत्मबल है। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारा पास में आत्मा बल हो जो काम को कर सकते हैं लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा रखना और सुनना गुरु जी का कहना है न तो कोई पैसा की बल पर रख सकते हैं न तो कोई जन के बल पर सुन सकते हैं न तो कोई मन की बल पर सुन सकते हैं न तो कोई आत्मा की बल पर रख नहीं सकते सुन नहीं सकते। जब तक कि संतों की बांके बिहारी जी की ठाकुर जी की कृपा की बल नहीं हो यदि ये कथा कोई सुन भी नहीं सकते ये कथा कोई रख भी नहीं सकते। इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा की इतने महत्व हम लोग हर साल सुनते हैं। जो कथा श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसः कथे परकी आज जो सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ है कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम लोग आगे श्रवण करेंगे जब श्री कथा शुरुआत हुई 33 करोड़ देवता स्वर्ग से उतरते हुए सबके सब अमृत कलश लेकर के आए बोले लो ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो और इसकी विनिमय में हमें ये श्रीमद् भागवत कथा हमें सुना दो। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी उनको वहां से खदेड़ दिया वहां से
बोले तुम लोग ये कथा नहीं सुन सकते हो, भगा दिया वहां से। वो उदाहरण देते हैं, अगर कोई टूटे फूटे कोई हैं कांच को लेकर के आए और आपको बोले ये टूटे फूटे कांच को ले लो और आपको पास में जो मणि है वो मणि हमें दे दो, आप दे दोगे? कभी जो कथा अमृत है ये साधारण चीज नहीं, ये भागवत कथा अमृत ये स्वयं कृष्ण चंद्र है, ये भगवान कृष्ण है। इसलिए जिस समय भगवान कृष्ण ये दुनिया छोड़ करके जा रहे थे वहीं पर श्री उद्धव जी भी थे। बोले प्रभु जी आप तो ये दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैं किसका आश्रय लेकर के रहूं, मैं किसका आश्रय लेकर के दुनिया में रहूं? कृष्ण स्वयं कहते हैं उद्धव एक स्वरूप में तो ये दुनिया से मैं जा रहा हूं लेकिन दूसरे स्वरूप में ये दुनिया में रह भी रहा हूं। उद्धव जी ने पूछा प्रभु जी आप ये कलयुग में आप किस रूप में रहोगे? भगवान कृष्ण कहते हैं बोले कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिविषम कलौ नष्टाद्रि समेक पुराण अर्क धुना द्वितीत। बोले हे उद्धव मैं ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है कलयुग में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में मैं विद्यमान रहूंगा। अगर कलयुग में कोई व्यक्ति ये भागवत कथा सुने और ये कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं, जो कथा सुन रहे हैं वो साक्षात रूप में मेरे साथ में मिल रहे हैं। इसलिए ये कथा भागवत में कोई कृष्ण और भागवत में कोई फर्क नहीं। एक बार भागवत का जयकार दो, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता की जयकार में आनंद नहीं आया, कुछ तो जय कुछ हे बोल रहे, जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी ये भागवत कथा नहीं मिलता है। इसका मतलब है जो व्यक्ति कलयुग में ये भागवत कथा श्रवण करते हैं वो देवता से भी ज्यादा पुण्यात्मा, क्योंकि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या होता है बताओ? तुम्हारे पुण्य नष्ट होगा और पुण्य नष्ट होते ही क्या होगा? बोले खिन्न पुण्यम मर्त्यलोकम विसरति, पुण्य समाप्त होते ही आपको गले में धक्का मार करके ये मर्त्य जगत में फेंक दिया जाएगा तुम्हें। लेकिन ये भागवत कथा श्रवण करने से क्या होता है? इसमें पुण्य नष्ट नहीं होता है, तुम्हारी पुण्य बढ़ती है। पुण्य नष्ट नहीं होगा बल्कि तुम्हारी पुण्य बढ़ेगी। इसलिए कहते देवताओं से भी ज्यादा पुण्यात्मा जो कथा श्रवण करते हैं। बोले स्वर्ग की बात छोड़ दो, ये भागवत कथा ब्रह्मलोक में भी ये कथा रस नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कथा है तो वेदे भावना बिहाई, कथा है तो भावना बिहाई, आ कथा है तुबे दे भावना बिहाई, कथा है तुबे दे भावना बिहाई, सुनी बात कथा सुनने के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को त्याग दे करके आते हैं। बोले ब्रह्मलोक की बात छोड़ दो,
अगर कभी शंकर पार्वती को कथा सुनने के लिए इच्छा हो तो शंकर पार्वती कैलाश छोड़ करके आते हैं। बोले कैलाश की बात छोड़ दो, बोले वैकुंठ नास्ते अमरस, सबसे ऊंचा लोक है वैकुंठ लोक, जहां पर लक्ष्मी नारायण की निवास है, जहां पर श्री गरुड़ जी की निवास है। अगर कभी गरुड़ जी की इच्छा हो, भैया मैं भी थोड़ा ये भागवत कथा सुनो, कहते ये गरुड़ जी वैकुंठ लोक छोड़ कर के कथा सुनने मर्त्य जगत में आते हैं। देखो ये बड़ौतवासी को कितना भाग्यवान है, आप लोग साधारण व्यक्ति नहीं हो, जो कथा सुनने के लिए देवता को देवलोक छोड़ना पड़ा, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक छोड़ना पड़ा, शंकर जी को कैलाश छोड़ना पड़ा और गरुड़ जी को वैकुंठ छोड़ना पड़ा। आप लोग बताओ बड़ौतवासियों को कुछ धन छोड़ना पड़ा, आप लोगों को कुछ छोड़ना पड़ा क्या? कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ा। ये कथा रूपी गंगा स्वयं बहते बहते और हमारे घर को सामने आ गई और हम घर में बैठे बैठे करके ये कथा रूपी गंगा में स्नान कर लिया। मतलब है हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। इसलिए भागवत में बताए बोले नजत्र वैकुंठ कथा सुधावगा। यहाँ पर प्रार्थना करते प्रभु, जहां पर तुम्हारी कथा नहीं, जहां पर तुम्हारी जन्माष्टमी रामनवमी, जहां पर श्री गिरिराज पूजन नहीं, बोले प्रभु वो स्वर्ग लोक क्यों नहीं हो, वो वैकुंठ लोक क्यों हो, नब्बई सब धाम मैं वहां पर जाना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन वहीं पर तो मैं रहना चाहता हूँ जहां पर तुम्हारी भागवत कथा हो, तुम्हारी जन्माष्टमी रामनवमी राधाष्टमी गिरिराज पूजन। बात छोड़ दो, भगवान राम आए तो कहां पर आए बताओ? इसी मर्त्य जगत में भारत में आए। भगवान कृष्ण आए तो कहां पर आए? इसी मर्त्य जगत में आए। भगवान वामन देव आए तो कहां पर आए? यहीं पर आए। श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो कहां पर आए? यहीं पर आए। और हम भी यहीं पर आए। इसलिए समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि यहाँ बैठे करके ये श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत कथा है उसमें चार अक्षर है, ये ग्रंथ में चार ही अक्षर है, इसमें भागवत। इसलिए कोई कोई कहता है ना, अरे हर साल सुनने का क्या जरूरत है, एक साल सुन लिया सुन लिया, ये हर साल ही भागवत कथा करने का क्या जरूरत है, हैं? क्या जरूरत है हर साल की कथा सुने? इसलिए भगवान राम श्री हनुमान जी को कहा करते थे। आप लोग हनुमान का नाम सुने हो? कौन कौन हनुमान जी का नाम सुने हो? सब जानते हो ना? हाँ। इसलिए एक बार भगवान राम श्री हनुमान जी को बोलते थे, बोले बेटा कथा सुनने के लिए जाएगा। हनुमान जी कहते थे प्रभु कथा सुनने का क्या जरूरत है, कथा में क्या होता है बताओ? कथा में यही होता है ठाकुर का नाम लो, ठाकुर जी के नाम जप करो, ठाकुर की सेवा करो, ठाकुर जी की भजन करो, यही तो बोलते हैं ना, कथा में तो यही होती है, भगवान की भक्ति करो। हनुमान जी ने कहा प्रभु कथा में तो यही बात होती, मैं तो यही काम करता हूँ दिन भर, तुम्हारे नाम लेता हूँ, तेरा भजन करता हूँ, तुम्हारी चरण की सेवा करता हूँ, फिर ये कथा कथा के लिए इतना बताते हो? तो भगवान राम कहते थे बेटा जब तुम कथा सुनोगे ना, जो तुम भक्ति कर रहे हो, जो तुम भजन कर रहे हो, उसमें चार चांद लग जाती है। इसलिए बेटा कथा सुनने के लिए जाया करना। एक दिन हनुमान जी ने सोचा, हर समय प्रभु राम कहते हैं कथा सुनने जाओ कथा सुनने जाओ कथा सुनने जाओ, एक बार जाकर के देखता हूँ कथा में क्या होता है। वहां पर श्री काक भुसुंडी अखय बैठक को नीचे बैठ करके राम की कथा सुना रहे थे। हनुमान जी गए और जाकर के हाथ जोड़ करके सबसे पीछे जाकर के बैठी गए। देखो कथा सुनने का क्या नियम है जानते हो? ऐसे नहीं कथा सुनने के लिए अगर बैठी गई, नहीं, कथा सुनने का नियम है जहां पर ये भागवत कथा हो। भागवत कहता है बोले सर्वाणी तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चुतादर कथा प्रसंग, बोले जहां पर ये श्रीमद् भागवत कथा हो
भगवान की कथा हो, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ है वहीं पर उनके निवास है, वहीं पर ही निवास है। देखो इसका प्रमाण देख लो, यहीं पर रोज लोग आते थे, जूते चप्पल पहन करके आते थे कि नहीं, जूते चप्पल पहन करके आते थे, कोई बीड़ी पीता था, कोई इधर उधर काम करते थे। लेकिन जब ये पैंडल लग गई, जब ये भागवत कथा हो रही है, बता आप लोग ने जूता कहाँ छोड़ करके आए हो, कहाँ छोड़ करके आए हो, बाहर छोड़ करके आए हो, और यहाँ पर आकर के प्रणाम करते हो, कथा सुन रहे हो, भक्ति भाव से बैठ रहे हो। इसलिए केवल ये कथा प्रारंभ होते ही देखो इसका पूरा रूप रंग ही बदल गया, रूप रंग ही बदल गया। हम आगे श्रवण करेंगे, जिस समय श्री गोकर्ण ने इस श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए गए, कथा सुनने के लिए कौन कौन आए हैं, केवल हम ही नहीं आए, बल्कि स्वर्ग से देवता लोग भी दौड़ दौड़ करके वहां से भी कथा सुनने के लिए आए। पराशर, वशिष्ठ, व्यास, जितने बड़े बड़े ऋषि लोग भी ये भागवत कथा श्रवण करने के लिए आए। जितने सारे नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, गया, गंगा, प्रभास, ये सारे तीर्थ भी कथा सुनने के लिए आए। पृथ्वी में जितने सारे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिया, ये भी कथा सुनने के लिए आए। जितने बड़े बड़े दंडकारण्य आदि वन थे वो भी मूर्तिमान रूप में वो भी कथा सुनने के लिए आए। एक समय में एक संत कथा सुना रहे थे, एक समय कोई एक सचमुच से कोई संत कथा सुनने के लिए आए, ऐसे पैंडल लगा हुआ था। जब उन्होंने कथा सुनने के लिए आए, उन्होंने गेट को बाहर खड़े होकर के देखे, वो बड़े बड़े गंगा, जमुना, सरस्वती, ऋषि, मुनि ऐसे वहां पर बैठे हुए, एकदम ऐसे बैठे हुए वहां पर, बैठने का भी स्थान नहीं। उन्होंने सब देवा देवी ऋषि मुनियों को दर्शन किया है। इसका मतलब है ये कथा सुनने के लिए हम ही बैठे, ऐसी बात नहीं। ये भागवत कहता है जहां पर ये भागवत कथा हो, सारे देवता ऋषि मुनि आकर के वहां पर सबसे पहले आकर के बैठ जाते हैं और बैठ करके हाथ जोड़ करके कथा सुनते हैं। इसलिए नियम है जब कथा सुनने के लिए आए, ऐसे नहीं आए और झट बैठ गए, नहीं, आकर क्या करो, पहले ठाकुर जी को प्रणाम करो। ठाकुर जी है ना जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी को पहले प्रणाम करो, इसको बाद में जो कथा सुना रहे हैं उनको भी प्रणाम करो, जो कथा सुन रहे हैं उनको भी प्रणाम करो, और जिस जगह पर ये कथा हो रही है वहां भी प्रणाम करो। सबको प्रणाम करके बैठो, और ऐसे नहीं बीच में खड़े होकर उठ करके चल दिए, बल्कि ये भी नियम नहीं। कथा से जाने से पहले एक तो जब तक कथा विश्राम नहीं हो तब तक नहीं जानी चाहिए, अगर कोई जरूरी काम पड़े तो तब भी जानी चाहिए। सबको प्रणाम करते हुए वहां के धूल को लगा करके यहां से जानी चाहिए, ऐसे नहीं जानी चाहिए। इसलिए श्री हनुमान जी वहां पर गए, सबसे पीछे बैठ गए, और कैसे बैठ गए, बोले हाथ जोड़ करके। और हनुमान जी जब कथा सुनते ना, ऐसे नहीं कथा सुनाते, सुनते हैं बोले जत्र जत्र जगुरात कीर्तन, जहां जहां पर प्रभु की कथा हो हाथ जोड़ करके आंखों से आंसुओं को बहाते हुए और उनको रोंगटे खड़े हो जाते हैं कथा सुन करके, और बड़ी गदगद होकर हनुमान जी ये कथा को सुनते हैं। अभी हनुमान जी गए और वहां पर बैठ करके कथा सुनने लगे, बोले कथा क्या हो रही थी, काक भुसुंडी ये कथा सुना रहे थे, जिस समय रावण ने माता सीता को उठा करके ले गया, हनुमान जी को तो बड़ा क्रोध आया, बोले ये दुष्ट ने मैया को उठा करके ले गया। हनुमान जी एक छलांग लगाए तो लंका में पहुंच गया, देखा अशोक वाटिका में माता सीता बैठ करके बड़ी दुखी होकर के रो रही है। इसको देख करके हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, और हनुमान जी को स्वयं शंकर जी, उन्होंने अपना तीसरे नेत्र को खोले और लंका को जला करके उन्होंने राख कर दिया। जब हनुमान जी ये कथा सुने,
हनुमान जी ने सोचा देखो कितने झूठ बात बोल रहा है, मैं स्वयं यहाँ पर हनुमान जी बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने इतने झूठ बात, अरे मैं लक्का ऐसे थोड़ी पार हो गया, तीन जगह में तो मेरे को परीक्षा देना पड़ा। फिर अंदर में लकनी घुसने नहीं दे रही थी, फिर एक मुक्के में मैंने उसको मारी, फिर विभीषण से मिला, फिर विभीषण ने मैया सीता की मैंने संवाद दी, फिर मैया सीता जी को संवाद दे करके जब मैंने फल खाने के लिए गया, मेरे को मेघनाथ ने बांध कर चले गया, मेरे पूछ में कपड़े लपट लपट लपटाते हुए मिट्टी का तेल जब डाले मैंने लक्का को, तभी दहन कराया, तभी लक्का मैंने जलाया। देखो मेरे सामने बैठ करके मेरे बात और कितने झूठ बोल रहे। अभी हनुमान जी कथा जब विश्राम हो गया, प्रणाम करते हुए आ गए। प्रभु राम ने पूछा हनुमान जी बताओ कथा कैसे तुमने सुनी हो, बोले प्रभु इतने प्यारी कथा कभी जिंदगी में हमने सुनाई नहीं। मतलब है हनुमान जी को शंका हो गई कथा को विषय पर, लेकिन राम एक बार नहीं आए, भगवान राम ब्रह्मा का एक दिन में एक बार भगवान राम जगत में आते हैं, इसलिए कहते ना कल्प भेद हरि कथा स्वागा। भगवान राम एक कल्प में एक लीला की और दूसरे कल्प में दूसरे लीला करते हैं, इसलिए कभी कभी सामंजस्य नहीं हो पाता है, कभी ये कल्प भेद में ये कथा हुई है, इसलिए कभी कथा को मैं कभी शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन राम जी को पता है कहा कुकुसुंडी कितने बार ये जगत में मैं आ चुका हूँ, ये काक भुसुंड कितने कल्प से बैठे हुए हैं, मेरे हर लीला को ये जानता है। भगवान राम ने अपना अंगुल से एक मुद्रिका निकाल रहे थे, इतने में वो मुद्रिका गिर पड़ा। भगवान राम बोले हनुमान जी ये मुद्रिका को मेरे को उठा करके दे दो, लेकिन जब वो मुद्रिका को पकड़ने जा रहे थे, वो मुद्रिका इतने तेज से भाग रहा था, हनुमान जी वो मुद्रिका को पकड़ नहीं पाए, क्योंकि हनुमान जी को ये भी अभिमान था जगत में सबसे ज्यादा तेज भागने वाले मैं हूं। वो मुद्रिका चलते 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 एक गुफा में प्रवेश किया, हनुमान जी जब प्रवेश करना चाह रहे थे, देखा वहां पर और एक बंदर बैठा हुआ, बोले भैया कहाँ जा रहे हो, तेरा नाम क्या है, बोले मेरा नाम हनुमान जी, बोले इतने कमजोर हमारे हनुमान जी अंदर में तो विशाल काय हनुमान जी और तू इतने कमजोर कैसे हो। फिर हनुमान जी के मन में शंका आ गई, बोले भैया और ये हनुमान जी कहां से आ गए, बोले आपके हनुमान जी से मैं मिल सकता हूँ, बोले मैं पूछ करके आता हूँ। जब उनको पूछने के लिए गए वो हनुमान जी बोले उनको ले आ, जब दोनों मिले हनुमान जी तो बड़े आश्चर्य में पड़े गए, बोले भैया ये तो विशाल का है हनुमान जी। तब से जो वहां पर जो बड़े हनुमान जी थे ये हनुमान जी को बताया, हनुमान जी कभी भी काक भुसुंड की कथा में शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान राम एक बार नहीं आए जगत में, ब्रह्मा की एक दिन में एक बार प्रभु राम आते हैं, इसलिए वो जो हनुमान जी की तुम कथा सुन रहा था वो मेरी कथा थी, इसलिए जाओ हनुमान जी वो मुद्रिका वहां से ले जाओ। जब हनुमान की मुद्रिका लेने के लिए गए वहां एक साथ बहुत सारी मुद्रिका, बोले इतने सारे मुद्रिका कहां से आ गई, बोले हनुमान जी जब जब किसी हनुमान जी को शंका होती है प्रभु की लीला में प्रभु उसको यहीं पर भेजते हैं, यहीं पर भेजते हैं, इसलिए इतने सारे मुद्रिका है। फिर वहां से मुद्रिका को लेकर गए, हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की है, मैं तो सोच रहा था मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अभी मेरे को पता चला मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। इसलिए आप देखना हनुमान जी तब से प्रतिज्ञा की, जितने जगह पर प्रभु राम की कथा हो हनुमान जी उतना रूप को धारण करते हुए हनुमान जी कथा से सबसे पहले जाएंगे और कथा बड़े प्रेम से गदगद होकर के कथा सुनेंगे। और जब कथा की विश्राम हो जाएगा, कथा वाचक को कथा स्थली को कथा सुनने वालों को प्रणाम करते हुए वे हनुमान जी वहां से जाते हैं। इसलिए
कोई कोई कहते ना अरे कथा कितने सुनेंगे, ये हर साल एक ही कथा होती है, अरे एक ही कथा को हम कितने सुनते रहेंगे, कथा तो एक ही होती है। पर या भैया जो रोटी है वो एक ही होती है ना, डबल होती है। अगर एक टाइम में अगर हमें रोटी नहीं मिले, बोले कि हाय रोटी, दिन भर रोटी का मोल नहीं देखे, क्या रोटी से भी भगवान की कथा इतनी घटिया है? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले राम कथा जय सोना ता अधाई।